नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। रविवार को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी मंदिरों के पट बंद करने की बात कही गई थी। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को बड़ी संख्या में एकत्रित होने से मना किया जा रहा है। यही वजह है कि कई गुरुओं ने अपने शिष्यों को संदेश दिया है कि वे घर पर रहकर ही आराधना करें और वहीं उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। झाबुआ जिले के मेघनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा पावन तीर्थ स्थल श्री हनुमंत आश्रम पीपलखुटा धाम पर हर वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु लाखों की तादाद में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते आश्रम के गुरु महंत दयाराम दास महाराज ने गुरु पूर्णिमा पर होने वाले विशेष आयोजन, भजन संध्या, मेला, भंडारा, प्रसादी आदि कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और घर पर ही पूजा अर्चना करने की अपील की। लेकिन गुरु पूर्णिमा के आस्था और विश्वास के पर्व में कई श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर के मुख्य द्वार पर गुरु जमुनादास महाराज के खड़ाओं पर माथा टेककर दर्शन किए, तो वहीं गुरु और शिष्य सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के नियमों का निर्वहन भी किया गया। कोरोना महामारी के कारण दर्शन नहीं हुए, गुरु जी के चरणों का दर्शन करके अपने आए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आश्रम परिवार द्वारा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखित सूचना दी गई थी। हम सबके द्वारा भी ये सूचना दी गई थी कि हवन और पूजन जो मंदिर के अंदर का कार्यक्रम है उसको छोड़कर समस्त कार्यक्रम जो है निरस्त किए जाते हैं। ये सूचना 3 दिन पहले ही हम लोगों के द्वारा दे दी गई थी। फिर भी कुछ लोग जो है क्षेत्रीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो हमारे जनजाति समाज के लोग हैं, वो आसपास के लोग हैं, वो लोग पहुँच रहे हैं, उनके लिए हमने मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंदिर में अनुमति पे तो रोक लगा दी है। मंदिर के अंदर बिल्कुल प्रवेश निषिद्ध है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो पुलिस प्रशासन के हवाले ही है। अगर कोई लोग आ भी रहे हैं तो उनको जो है गुरुजी के दर्शन किए जा रहे हैं। उनके सभी मंदिर मठ मंदिरों में कानून की जो बंदी है उसको पालन किया जा रहा है यहाँ पर, और हम दर्शन करना है। हमने भी बाहर से मंदिर के दर्शन किए हैं। मंदिर में जाने अभी प्रशासन के निर्देशानुसार मंदिर में जाना प्रतिबंध किया गया है। उसके तहत सिर्फ 5 व्यक्ति महाराज जी के पुजारी के साथ में जाकर अंदर आरती, हवन, स्तुति, जो भी उनका कर्मकांड है वो पूर्ण करके बाहर गुरुजी आकर सभी भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।